हेलो व्यूअर्स, दिस इज तबस्सुम परवीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम ये चैप्टर यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज की एक सेगमेंट कवर करेंगे जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इससे पहले वीडियो में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन कवर किया था, मैंने पूरे डिटेल में समझाया है कि कैसे आप एक्सप्रेशंस को ऐड कर सकते हो, कैसे उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में जो हम सीखेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन, हम कैसे एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर सकते हो। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपने ऑलरेडी अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ था, इस क्लास में जो आप नया सीखोगे वो है मल्टीप्लिकेशन। सो हम इसे अभी पढ़ने वाले हैं, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आप मेरे क्लास का एक हिस्सा बन जाओगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। So, पहले हम देखेंगे कि कैसे हम एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जहां पर अगेन हम दो कैटेगरी में से डिवाइड कर लेते हैं। सो पहला हम जहां पर टू मोनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे कैटेगरी में हम टू से ज्यादा यानी थ्री मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह हम मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जहां पर आपके केवल एक ही टर्म होते हैं, यानी एक्सप्रेशन विथ ओनली वन टर्म, जैसे कि 5x। अब 5x कितना टर्म है? ये केवल एक ही टर्म है। सो ये हो गया मेरा मोनोमियल एक्सप्रेशन। अब हम दो मोनोमियल को ले लेते हैं और उसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहां पर 5x, चलिए मान लेती मैं और एक ले लेती टर्म 9x। सो यहां पर मैंने एक 5x लिया, दूसरा मैंने 9x लिया। यहां पर पहले एग्जाम्पल में मैंने जानबूझकर ऐसा टर्म्स लिए जहां पर वेरिएबल सेम है, यानी ये दोनों लाइक टर्म्स है। तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लीकेशन बहुत ही इजी होता है। करना क्या है आपको? इस टर्म के कॉन्स्टेंट, यानी क्या है यहां पर 5, और इस टर्म के कॉन्स्टेंट यानी यहां पर क्या है 9। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना आपको। तो 5 × 9 क्या हो गया? 45। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट बारी है वेरिएबल की। यहां पर आपका वेरिएबल क्या है? x। यहां पर वेरिएबल क्या है? x। तो आपको याद रखना है जब भी आप x × x करोगे तो वो हो जाएगा x2। ये तो आपको पता है। और वही आप x × x × x तीन बार करोगे x को मल्टीप्लाई तो वो हो जाएगा x³। तो यहां पर इसका आंसर आया 45x². इजी है ना? चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। 7y × −2y। अब यहां पर भी मैंने लाइक टर्म लिया है, इसका वेरिएबल भी y है, इसका वेरिएबल भी y है, दोनों लाइक टर्म और दोनों भी एक मोनोमियल है, यानी एक्सप्रेशन विथ ओनली वन टर्म। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? कांस्टेंट को आपको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहां पर क्या है? 7 × −2, तो क्या होगा? −14, है ना? y × y क्या हो जाएगा? y² है ना? तो जब लाइक टर्म्स है तो बहुत ही इजी हो रहा है। चलिए अब अनलाइक टर्म्स की बात करते हैं। अभी हम दो मोनोमियल लेंगे और दोनों मोनोमियल जो होगा वो अनलाइक होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? So, यहां पर मैं ले लेती हूं सपोज 5xy × −4xy². अब यहां पर आप देखिए वेरिएबल्स तो सेम है, xy और xy दोनों में xy है, बट यहां पर y का पावर 1 है, यहां का y का पावर 2 है। तो ये क्या हो गया? ये एक अनलाइक टर्म हो गया। तो अब इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 × 4 क्या हो जाएगा? −20। डन। नेक्स्ट यहां पर x है, क्या यहां पर x है? यस, यहां भी x है। सो ये x × x क्या हो गया? x² या x². नेक्स्ट अब y का बारी, y × y² यहां पर y का पावर क्या है? 1 है। यहां y का पावर क्या है? y² है। सो यहां पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे y² × y² को तो y² क्या हो जाएगा? 3, यानी पावर्स ऐड हो जाते हैं।
ये एक्सपोनेंट का एक रूल भी है, जब आपका बेस सेम होगा और जब आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो पावर क्या हो जाता है, वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर 1 प्लस 2 क्या हो गया, 3। ठीक है, चलिए और एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ -7x³z, उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 2yz। अब इस तरह के नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ भी मैंने एक मोनोमियल लिया, यहाँ भी मैंने एक मोनोमियल लिया, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर -7 है, यहाँ पे 2 है, सो -7 × 2 क्या हो गया, -14। यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर x³, यहाँ पर x³ है मेरा, क्या दूसरे टर्म में x है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉपी, आपको कर लेना उसे कॉपी। नेक्स्ट यहां पर क्या है, जेड, क्या यहां पे जेड है, यस, सो यहां जेड इनटू जेड, सो यहां भी 1 1। सो अभी मैंने बताया बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, एड, z1 × z1, z^2। देन नेक्स्ट यहां पे एक वाई टर्म रह गया, अब यहां वाई नहीं था तो मैं क्या कर लूंगी, उसे कॉपी। तो आप इसे अरेंज भी कर सकते हो, यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, आप किसी सीक्वेंस में लिख सकते हो, हो गया आंसर। सो ये बात था जब हम मोनोमियल कर रहे थे मल्टीप्लाई, कहां पर, जहां पर एक मोनोमियल और दूसरे मोनोमियल को मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब भरी है हम यहां पर 3 मोनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे, या कभी कभी आपको 3 से ज्यादा भी आएगा तो मेथड तो सेम होगा, जस्ट थोड़ा लेंथी हो जाएगा बट मेथड वही है। चलिए देख लेते हैं, 2x²y − 3xy × 7, चलिए 7xy² अभी आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने 3 मोनोमियल लिए हैं, ठीक है, तो पहले क्या करना है, सेम आपको सारे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, चाहे तो आप सबको साथ में मिला सकते हो। तो यहाँ पे मैं साथ में लेकर आती हूँ 2 × −3 × 7, सब कांस्टेंट साथ में आ गए। अब बारी है वेरिएबल की, तो चलिए यहाँ वेरिएबल क्या है, x² यानी x², यहाँ पर x⁻¹, x⁻¹। सो सारे क्या हो जाएंगे, एड, x²+1³+1⁴। डन, नेक्स्ट बारी है y की, y², 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 सो 1+1+2 दैट इज y⁴। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × −3 कितना हो गया आपका, −6, −6 × 7 −42 x⁴y⁴। है ना इजी। चलिए और एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, 2a × 3b × −4c। अब ये हो गया मोनोमियल, 3 मोनोमियल्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आप सारे कांस्टेंट एक साथ लेके आइए, 2 × 3 × −4, यहां पर ये है, यहां ए नहीं है, यहां भी नहीं है, कॉपी कर लेंगे, बी बाकी दोनों में नहीं है, सी बाकी दोनों में नहीं है, सब साथ में हो जाएगा। देन अब लास्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई कर लो आप, 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, और यहां माइनस है इसलिए −24 ABC। डन, तो हमने पहला टॉपिक कवर कर लिया यहां पर, जहां पे हमने पहले मल्टीप्लाई किया 2 मोनोमियल्स को और दूसरी बारी किया हमने 3 मोनोमियल्स को। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। ओके, सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है कि हम कैसे एक मोनोमियल को एक पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने मोनोमियल का मतलब तो समझा दिया, मोनोमियल मतलब क्या, ऐसा एक्सप्रेशन जहां पर केवल आपका एक ही टर्म हो। अब ये पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक टर्म भी हो सकते हैं, 2 टर्म भी हो सकते हैं, 3 टर्म भी हो सकते हैं, 4, 5 जितने भी, तो सारे एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो अब हम सीखेंगे कि कैसे एक मोनोमियल को एक पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए पहला केस ले लेते हैं जहां पर हम एक मोनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे एक बाइनोमियल के साथ। अब बाइनोमियल मतलब क्या, 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन, जिस एक्सप्रेशन में हमारा 2 टर्म हो। तो एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 2x, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे एक बाइनोमियल टर्म के साथ। सो बाइनोमियल में ले लेती हूँ 3x − 4y। तो यहां पर देखिए, इस एक्सप्रेशन में मेरे 2 टर्म है,
इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे एक मोनोमियल के साथ। सो चलिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो मल्टीप्लाई में आपको एक ध्यान रखना होगा, जब मोनोमियल को एक पॉलिनोमियल, चाहे वो बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल हो, कितने टर्म्स वाले एक्सप्रेशन हो, जब भी आप उसे मल्टीप्लाई करते हो तो जो वो मोनोमियल वाला टर्म है वो दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहां पर दो टर्म्स थे इसलिए ये दो बार मल्टीप्लाई होगा। अगर वहीं पर ये तीन टर्म वाला एक्सप्रेशन होता तो ये मोनोमियल जो टर्म है वो तीन बार मल्टीप्लाई होता तीनों टर्म के साथ। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लीकेशन शुरू करते हैं। 2 × 3x लिख लेते हैं, 2x × 3x डन। अब नेक्स्ट हमारा ये टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने दूसरे टर्म के साथ, यानी 2x × −4y डन। अब करेंगे सॉल्व। सॉल्व कैसे करते हैं, कांस्टेंट को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 × 3 क्या हो गया, 6 एंड x × x क्या होता है, x2। ये तो आपको पता है। नेक्स्ट 2 × −4 क्या हो गया, −8 x × y। अब यहां पर x नहीं है, यहां पर y नहीं है, तो क्या करेंगे हम दोनों को कॉपी कर लेंगे, ये x y, तो ये हो गया मेरा आंसर। तो ये था मोनोमियल को कैसे हम एक बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम और एक एग्जांपल देखें जहां पर हम इसको माइनस ले लेते हैं, माइनस वाला टर्म, ठीक है, −4xy³। अब उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन से। बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या, जिसके दो टर्म होंगे। तो चलिए दो टर्म वाले ले लेते हैं हम यहां पर, 5xy² −2yz³। चलिए ये हो गया। अभी हमें इनको यानी मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना है एक बाइनोमियल के साथ। तो सेम जैसे हमने इसे किया, इसे भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, इसे हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन सेम मोनोमियल को अपने दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए लिख लेते हैं, −4xy³ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5xy² के साथ। आप चाहे तो ये स्टेप या ये लाइन स्किप भी कर सकते हो, आप जब ज्यादा प्रॉम्प्ट हो जाओगे करने में तो आप डायरेक्ट ही इसको इससे इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये स्टेप लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये लिख लिया मैंने। अब नेक्स्ट इसका बारी, अगेन −4xy³ −2yz³ डन। अब बारी है सॉल्व करने की। तो यहां पर पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, −4 × 5 दैट इज −20 डन। यहां पर x का पावर क्या है, 1, x का पावर 1, सो x^1 x^1 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x^2। पावर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लाई के केस में। नेक्स्ट यहां भी y है, यहां भी y है, यहां y का पावर 3 है, यहां y का पावर 2 है, तो क्या करेंगे, सेम बेस है तो पावर को ऐड कर देंगे, दैट इज 5। तो ये हो गया हमारा आंसर इससे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सो ये हो गया −4 × −2 दैट इज +8। देन x, यहां पर x है बट यहां पर x नहीं है, तो ये x वाले टर्म को हम कॉपी कर लेंगे क्योंकि वहां पर है नहीं। अब बारी है y वाले टर्म की, यहां y 3 है यानी y^3 और यहां y^1, सो पावर फिर ऐड करेंगे, सो 3 + 1 क्या हो गया, 4। देन हमारे यहां पे z नहीं है तो z को भी कॉपी कर लेंगे, तो ये हो गया मेरा आंसर। तो यहां पर हमने सीखा कैसे हम एक मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम एक मोनोमियल को एक ट्राइनोमियल वाले एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं उसे। अब जो हम सीखेंगे वो है हम कैसे एक मोनोमियल एक्सप्रेशन को एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मोनोमियल यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही टर्म हो, और ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमारे 3 टर्म्स हो। तो अब हम सीखेंगे कैसे हम एक टर्म वाले एक्सप्रेशन को 3 टर्म वाले एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज यहां पर मैं ले लेती हूँ 12x³। ठीक है, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, जहां पर मेरा मैं ले लेती हूँ 2xy² −4y³ + 3yx²
सो ये हो गया मेरा ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, यानी 1, 2, 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन। अब हम सीखेंगे कैसे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम जैसे हमने बाइनोमियल में किया था। क्या किया था? ये जो मोनोमियल वाले टर्म को हमने दो बार किया था क्योंकि वहां दो एक टर्म्स थे, यहां पर हमारे कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स। इसलिए हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा। सो ये हो गया 12x³ × 2xy² देन इन दोनों का नेक्स्ट इन दोनों का बारी, दैट इज 12x³ × −4y³ देन अब नेक्स्ट इन दोनों का बारी, दैट इज 12x³ × 3yx² आप कोशिश करिए जितना प्रैक्टिस करोगे ये स्टेप को आप स्किप करना, इससे क्या टाइम थोड़ा वेस्ट नहीं होगा, ये स्टेप लिखने से आपका टाइम ज्यादा यूज होता है। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 × 2 दैट इज 24, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स की पावर 1 है, सो यहाँ सेम बेस, सो पावर क्या हो जाएगा हमारा एड, तो एक्स टू दी पावर क्या होगा 3 + 1 = 4। अब वाई स्क्वायर तो यहाँ है बट यहाँ वाई टर्म वाले वाई वाला वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे इसे कॉपी। सो ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, अब बारी है इसकी, सो 12 × −4 दैट इज −48 डन। अब बारी है वेरिएबल्स की, एक्स क्यूब यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ पर एक्स है तो उसे हम कॉपी कर लेंगे, वाई ये इस टर्म में है, इस टर्म में वाई नहीं है तो इसे हम कॉपी कर लेंगे, डन इसका भी आंसर आ गया। अब बारी है इसकी, सो 12 × 3 = 36 प्लस नेक्स्ट x³ × 3, x²² सो ये पावर 3 पावर 2 दोनों ऐड हो जाएगा x⁵ एंड y यहाँ पर था यहाँ नहीं है उसे हम कॉपी कर लेंगे। सो ये हो गया मेरा आंसर, है ना बहुत इजी। जस्ट बाइनोमियल ट्राइनोमियल सेम ही रहता है, डिफरेंस इतना ही है, बाइनोमियल में आप दो बार मल्टीप्लाई करते हो मोनोमियल को और ट्राइनोमियल में आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे मोनोमियल टर्म के साथ। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे मैंने आपको मतलब मल्टीप्लाई करना सिखाया एक पॉलीनोमियल को कैसे हम एक मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल यानी एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर भी मोनोमियल आएगा, सिंगल टर्म वाला पॉलीनोमियल। और अगर आप एक मोनोमियल को एक बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो यानी दो टर्म वाले एक्सप्रेशन, तो आपका आंसर भी दो टर्म वाला ही आएगा। और यहाँ पे मैंने एक मोनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया यानी 3 टर्म वाले एक्सप्रेशन, तो उसका आंसर भी मेरा 3 टर्म आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। तो आई होप मैंने आज जो भी आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया एंड वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन यू टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।